दोस्तों पूरे देश में बुलेट ट्रेन का जाल बिछाने के लिए भी भारतीय रेलवे काफी तेजी से काम कर रही है और यहाँ पर मुंबई से अहमदाबाद वाले रूट के अलावा हमारे पूरे देश में 7 और नए रूट को बुलेट ट्रेन के लिए मंजूरी मिला है। मतलब ये जो 7 रूट है जो कि नए हैं बुलेट ट्रेन के लिए, इन पर भी हमारी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलने वाली है एंड इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये 7 रूट हैं कौन और इन पर हमारी बुलेट ट्रेन का काम कब तक शुरू होने वाला है। सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ, बुलेट ट्रेन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के देखिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी हम जल्दी से बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों मुंबई से अहमदाबाद वाले रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने का जो काम है वो काफी तेजी से जारी है एंड यहाँ पर मुंबई से अहमदाबाद वाले रूट के अलावा 7 और रूट पर बुलेट ट्रेन चलने वाली है। मतलब जो हाई स्पीड ट्रेन है 320 kmph की जो रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन है वो इन्हें 7 रूटों पर चलने वाली है। तो चलिए दोस्तों मैं एक एक करके जो सभी रूट है बुलेट ट्रेन के लिए ये मैं आपको बताता हूँ। तो मुंबई से अहमदाबाद वाले रूट के अलावा हमारे बुलेट ट्रेन के लिए जो सबसे पहला रूट है ये है दिल्ली से वाराणसी वाला और यहाँ पर दिल्ली से वाराणसी वाले रूट पर भी आपको हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो हमारे देश के अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों बताया गया है कि हमारी जो दिल्ली से वाराणसी वाली बुलेट ट्रेन होगी इसका भी ट्रैक पर ऑपरेशनल स्पीड 320 kmph होने वाला है और दिल्ली से वाराणसी वाला रूट हमेशा से ही काफी इंपॉर्टेंट रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दिल्ली से वाराणसी के बीच में बुलेट ट्रेन चलाने का भी जो फैसला है वो यहाँ पर लिया गया है। और आपको तो पता ही होगा कि हमारी देश की जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत, इसको भी सबसे पहले दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया गया था और इससे आप समझ सकते हैं कि ये रूट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो हमारी भारतीय रेलवे है ये भी इस रूट को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है एंड यही रीजन है कि दिल्ली से वाराणसी के बीच में बुलेट ट्रेन भी चलने वाली है। वही इस रूट के बारे में हम बात करें तो लगभग 750 किलोमीटर का दूरी है दिल्ली से वाराणसी का, जिसको हमारी बुलेट ट्रेन लगभग 2 से 2.5 घंटे में कवर करने वाली है। यानी कि मात्र आप 2 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से वाराणसी या फिर वाराणसी से दिल्ली। मतलब यहाँ पर सेम डे में अगर आपको अप डाउन करना है तो बुलेट ट्रेन के माध्यम से चुटकियों का खेल होगा। वहीं दोस्तों दिल्ली से वाराणसी रूट के अलावा अगर हम दूसरे रूट के बारे में बात करें जिस पर बुलेट ट्रेन चलने वाली है तो ये रूट है दिल्ली से अहमदाबाद वाला और यहाँ पर मुंबई से अहमदाबाद के अलावा यहाँ पर दिल्ली से अहमदाबाद वाले रूट पर भी बुलेट ट्रेन चलने वाली है। यानी कि दोस्तों दिल्ली से अहमदाबाद वाले रूट पर भी बुलेट ट्रेन का जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिलेगा और ये रूट काफी इंपॉर्टेंट होगा बुलेट ट्रेन के लिए। और यहाँ पर दिल्ली से अहमदाबाद वाले रूट पर बुलेट ट्रेन चलने के साथ ही दिल्ली से मुंबई वाला जो रूट है वो पूरी तरह से बुलेट ट्रेन के माध्यम से कनेक्ट हो जाएगा। शुरुआत में दोस्तों आपको एक बार अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन को चेंज करना होगा। एक्चुअली आप दिल्ली से पहले पहुंचेंगे अहमदाबाद एंड अहमदाबाद में फिर आप चेंज करेंगे दूसरी बुलेट ट्रेन के साथ एंड अहमदाबाद से आपको दूसरी जो बुलेट ट्रेन है वो सीधे पहुंचा देगी मुंबई। और ऐसे में दोस्तों दिल्ली मुंबई वाला जो रूट है वो पूरी तरह से बुलेट ट्रेन से कनेक्ट हो जाएगा। वहीं दोस्तों बताया गया है कि दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचने में जो हमारी बुलेट ट्रेन है वो लगभग 3 से 3.5 घंटे का समय लेने वाली है। यानी कि काफी एक फास्टेस्ट कनेक्टिविटी अहमदाबाद से दिल्ली वाले रूट पर बनाएगी। वहीं दोस्तों बात करें रफ्तार के बारे में तो दिल्ली से अहमदाबाद वाले रूट पर चलने वाली जो बुलेट ट्रेन होगी इसका ट्रैक पर जो ऑपरेशनल स्पीड होगा वो यहाँ पर 250 kmph होने वाला है, ऐसा रिपोर्ट है। वहीं दोस्तों दिल्ली से अहमदाबाद वाले रूट के अलावा हमारा जो तीसरा रूट है बुलेट ट्रेन के लिए ये है चेन्नई से मैसूर वाला और आपको चेन्नई से मैसूर के लिए भी बुलेट ट्रेन का जो कनेक्टिविटी है हाई स्पीड रेल का जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों चेन्नई से मैसूर के बीच में ऑलरेडी वंदे भारत चल रही है और इसे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि चेन्नई से मैसूर वाला रूट काफी इंपॉर्टेंट है और भारतीय रेलवे चेन्नई से मैसूर वाला जो रूट है इसको प्राथमिकता देती है प्रीमियम या फिर हाई स्पीड ट्रेन को लेकर और यही रीजन है कि चेन्नई से मैसूर के बीच में बुलेट ट्रेन चलाने का भी प्लानिंग है। वहीं दोस्तों इस बुलेट ट्रेन के चलने से चेन्नई से मैसूर का जो कनेक्टिविटी है वो काफी हद तक एक कम समय में पूरा हो पाएगा। और दोस्तों बताया गया है कि चेन्नई से मैसूर के बीच में जो बुलेट ट्रेन चलेगी इसका भी जो ऑपरेशनल स्पीड होगा वो यहाँ पर 250 kmph होने वाला है। वहीं दोस्तों चेन्नई मैसूर के अलावा हमारा जो अगला रूट है मतलब जो चौथा रूट है बुलेट ट्रेन के लिए ये है मुंबई से नागपुर वाला और यहाँ पर मुंबई से नागपुर के बीच में भी हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलने वाली है। वहीं दोस्तों मुंबई से नागपुर वाला रूट भी इम्पोर्टेंट होगा बुलेट ट्रेन के लिए, इस पर बड़ी संख्या में यात्री ट्रेवल करते हैं और यही रीजन है कि इस रूट पर हाई स्पीड रेल चलाने का जो फैसला है वो यहाँ पर भारतीय रेलवे लेने वाली है और यहाँ पर मुंबई से नागपुर के बीच में बुलेट ट्रेन आपको चलती हुई दिखेगी और जो अभी काफी लंबा सफर होता है मुंबई से नागपुर का वो मात्र कुछ घंटों में ही आपको पूरा करके पहुंचा देगी ये बुलेट ट्रेन। और ऐसे में दोस्तों मुंबई से नागपुर वाले रूट पर ट्रेवल करने वाले जितने
भी यात्री हैं उनको एक काफी तेज ट्रेन का जो सुविधा है वो इस रूट पर मिलने वाला है। वहीं दोस्तों मुंबई से नागपुर वाले रूट के अलावा हमारा जो अगला रूट है मतलब जो पांचवा रूट है ये है मुंबई से हैदराबाद वाला। और यहाँ पर मुंबई से अहमदाबाद के अलावा मुंबई से हैदराबाद के लिए भी बुलेट ट्रेन चलने वाली है। वहीं दोस्तों मुंबई से हैदराबाद वाली बुलेट ट्रेन का जो ऑपरेशनल स्पीड होगा वो यहाँ पर 320 KMPH बताया गया है। और मुंबई से हैदराबाद वाला रूट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सभी को पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दो बड़े मेट्रो सिटी को कनेक्ट करने वाला ये रूट है और इसीलिए इस पर बुलेट ट्रेन का जो कनेक्टिविटी है वो भारतीय रेलवे प्रोवाइड करने वाली है। वहीं दोस्तों मुंबई से हैदराबाद वाले रूट के अलावा हमारा जो अगला रूट है मतलब जो छठा रूट है बुलेट ट्रेन के लिए वो है वाराणसी से हावड़ा वाला। और यहाँ पर वाराणसी से हावड़ा के बीच में भले ही अभी तक वंदे भारत नहीं चल पाई है लेकिन यहाँ पर वाराणसी से हावड़ा के बीच में बुलेट ट्रेन चलने वाली है। और दोस्तों बताया गया है कि ये जो बुलेट ट्रेन है ये वाया पटना वाला रूट लेगी। ऐसे में दोस्तों बिहार वासियों को भी इस बुलेट ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। और वाराणसी से हावड़ा वाला रूट भी इम्पोर्टेंट है, साल भर भीड़ देखने को मिलता है और इस पर एक तेज ट्रेन की जरूरत काफी ज्यादा है। और यही रीजन है कि वाराणसी से हावड़ा वाले रूट पर बुलेट ट्रेन चलने वाली है। और यहाँ पर जो घंटों का सफर है, जो लंबा सफर है, वो हमारी ये बुलेट ट्रेन मात्र 3 से 3.5 घंटे में ही कवर करने वाली है। वहीं दोस्तों वाराणसी से हावड़ा वाले रूट के अलावा हमारा जो लास्ट रूट है मतलब जो सातवां रूट है बुलेट ट्रेन के लिए ये है हैदराबाद से बेंगलुरु वाला। और यहाँ पर हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए भी हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलने वाली है। और इस रूट पर भी एक हाई स्पीड रेल की काफी ज्यादा नीड है, लोग काफी लंबे सफर को कुछ घंटों में पूरा करना चाहते हैं इस रूट पर। और यही रीजन है कि हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए बुलेट ट्रेन चलने वाली है। वहीं दोस्तों हैदराबाद से बेंगलुरु वाली हमारी जो बुलेट ट्रेन है इसका रफ्तार 320 KMPH होगा ऐसा भी बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे टोटल 7 रूट जिन पर हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलने वाली है। वहीं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें कि मुंबई से अहमदाबाद वाले रूट के अलावा दूसरा ऐसा कौन सा रूट है जिस पर हमें बुलेट ट्रेन सबसे पहले देखने को मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पर मुंबई से अहमदाबाद वाले रूट के अलावा अहमदाबाद से दिल्ली वाला जो रूट है जिसके बारे में अभी काफी ज्यादा चर्चा है इस पर ही आपको बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों भारतीय रेलवे इसको लेकर काफी ज्यादा अच्छे से प्लानिंग कर रही है। और यहाँ पर हमारी अहमदाबाद से दिल्ली वाली बुलेट ट्रेन किस किस रेलवे स्टेशन पर रुकेगी ये भी यहाँ पर फाइनल कर लिया गया है, मतलब इसको लेकर सारी चीजें ऑलमोस्ट फाइनल है। और इसीलिए मुंबई से अहमदाबाद वाले बुलेट ट्रेन के बाद हमें अहमदाबाद से दिल्ली के लिए बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों भारतीय रेलवे सबसे पहले ये चाहती है कि बुलेट ट्रेन का जो कनेक्टिविटी है वो दिल्ली से मुंबई वाले रूट पर बनाया जाए, क्योंकि दिल्ली से मुंबई वाला रूट ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट है, बिजिएस्ट रेल रूट माना जाता है। और ये रूट ऐसा है कि भारतीय रेलवे को सालों भर काफी अच्छी कमाई करके देता है और इसीलिए दोस्तों इस रूट पर खास जो फोकस है वो भारतीय रेलवे का हमेशा से बना रहता है। और इसीलिए मुंबई से दिल्ली वाले रूट को जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन चलाने का जो प्लानिंग है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों ये जो सभी रूट हैं लाइक दिल्ली वाराणसी, चेन्नई मैसूरु, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद, वाराणसी हावड़ा और हैदराबाद से बेंगलुरु, इन सभी रूट पर भी आपको फ्यूचर में बुलेट ट्रेन का जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिलेगा। मतलब ये हुआ कि देश में चारों तरफ से जो बुलेट ट्रेन का जाल है उसको बिछाना है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में चलने वाली जो बुलेट ट्रेन है, हमारी देश की जो दूसरी बुलेट ट्रेन है, इसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि नहीं, ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप सभी का कमेंट आता है इस वीडियो को बनाने को लेकर तो उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद से दिल्ली वाली बुलेट ट्रेन के बारे में कंप्लीट डिटेल, लाइक इसका पूरा रूट क्या होगा, किस किस रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, क्या क्या इसमें सुविधाएं मिलेगी और एक्चुअली में कितने घंटे में सफर पूरा होने वाला है, सभी चीजें आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी दोस्तों यही था देश में आने वाली 7 बुलेट ट्रेन के रूट के बारे में अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।